लेकिन इसमें वो बाद आने लगा है, जब इस तरह से हो जाए तो फिर हम चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की रेसिपी है हरदे लजीज कड़ी, जो कि गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। इसके तीन स्टेप हैं, एक है फर्स्ट स्टेप कड़ी बनाने का, सेकंड स्टेप है पकौड़ों का और थर्ड है भगार का। अभी मैं आपको फर्स्ट स्टेप के अज्जा बता रही हूँ। इसके लिए हाफ के जी हमें दही चाहिए और एक कप इसी का पानी, दही का जो पानी होता है वो चाहिए, और हाफ के जी के लिए आधा पाव बेसन चाहिए, हस्बे ज़रूरत ऑयल चाहिए। इसमें हमें चार अदद बड़े जो जवे हैं लहसुन के चाहिए, उसे दरमियान से हाफ कर लीजिएगा। चंद पत्ते मिंट के चाहिए पुदीना, और हाफ गड्डी हमें हरे धनिया की चाहिए, और पांच अदद हरी मिर्चें, वन टेबल स्पून, ये टेबल स्पून देख लीजिए, और दो ही टेबल स्पून हमें इसमें कुटी हुई मिर्चों के जाएंगे, और वन टेबल स्पून हम इसमें नमक चाहिए, और एक अदद स्मॉल साइज प्याज चाहिए। इन सारे अज्जा को हमें ब्लेंड करना है, इसलिए हम इनको सबको जग में डाल लेंगे। जब ये हरा मसाला इसमें पिस जाए तो इसमें फिर हम इसमें बेसन, दही हाफ के जी, और इसका जो हमें पानी था एक कप वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसमें मज़ीद थोड़ा सा एक कप और पानी डाल देंगे, ब्लेंड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है इसमें ऑयल डालेंगे, हम हाफ कप डालेंगे, फिर इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। जब प्याज थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए, हल्का सा गोल्डन, लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए, तो इसमें हाफ टी स्पून अदरक पेस्ट डाल दीजिएगा, फिर मिक्स करें। अदरक पेस्ट थोड़ा सा फ्राई करके इसमें कुटी हुई मिर्चें, हल्दी और सॉल्ट शामिल करके मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा एक दो टेबलस्पून जले नहीं, और उसको मसाले को अच्छा सा भून लेंगे। अच्छा, मसाले को भूनते हुए ख्याल रखिएगा कि ओवर कुक ना हो, तो इसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी भी हम ऐड कर सकते हैं, मगर मसाला अच्छी तरीके से भुने इस बात का ख्याल रखिएगा। लेकिन जब मसाला भून जाए तो आप इसको स्टोव को थोड़ा बंद कर दें, और फिर इसके अंदर हमने जो दही बेसन और हरे मसाले का बैटर तैयार किया था वो ऐड कर दें। ये ऐड करके इसमें हम चूल्हा ऑन कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर हमें पानी ज़्यादा जाएगा, यही हमें एक जग और पानी डालेंगे हम इसमें, और आधा जग हम इसमें और पानी शामिल कर देंगे, और इसको चमचा चलाते रहेंगे जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए। तो इसमें चमचा आपको चलाते रहना है, और आंच तेज़ रखिएगा, जब तक इसमें उबाल नहीं आते जब तक आप चमचा चलाते रहेंगे, क्योंकि इसमें फुटकियाँ यानी लम्स आ जाते हैं, इस वजह से इसमें से आप स्पून नहीं हटा सकते। देखें, इसमें उबाल आने लगा है, जब इस तरह से हो जाए तो फिर हम चलाते रहेंगे, और फिर इसके बाद चूल्हा हल्का करके उसको ढक कर पकने छोड़ देंगे। इस पूरे प्रोसेस में 15 मिनट्स लगे हैं, इस बॉयल आने में 15 मिनट्स लगे हैं। ये देखें, आंच हल्की करके इसे पकने रख देंगे पौने घंटे तक के लिए। पकौड़ों के इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए, बेसन एक पाव, हस्बे ज़रूरत पानी, वन टी स्पून पिसी हुई मिर्चें, हाफ टी स्पून हल्दी, वन टी स्पून सॉल्ट, वन टेबल स्पून ज़ीरा, वन टेबल स्पून धनिया साबुत धनिया, तीन अदद हरी मिर्चें चॉप, एक गड्डी हरा धनिया, थोड़े से पत्ते पुदीने के चॉप, और एक दरमियानी प्याज स्लाइस कटी हुई। अब एक मिक्सिंग बोल में हम ये सब पकौड़ों के अज्जा शामिल कर देंगे। हल्दी, सॉल्ट एंड बेसन। अब इसको पानी डाल के मिक्स करेंगे, और आपको पता है पकौड़ों के लिए हमें
किस तरह से तैयार करना होता है मिक्सर, उतना ही पानी डालेंगे और पकौड़ों के लिए इसको तैयार कर लेंगे। पकौड़ों का मिक्सर रेडी है, अपन इसको कढ़ाई के लिहाज से इसमें डालेंगे। जब एक तरफ से गोल्डन हो जाए तो इनको टर्न कर दीजिए। लीजिए पकौड़े रेडी हैं, अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए पकौड़े अब रेडी हैं, अब कढ़ी में डाल देंगे इसे। ये देखिए कढ़ी जब हाफ डन हो, गाढ़ी ना हो, बस ये ख्याल रखिएगा थोड़ी पतली ही हो, 1.5 घंटे के बाद इसके अंदर हम पकौड़े ऐड कर देंगे। ये देखिए इसको मिक्स करके फिर इसको हम हल्की आंच पे 1/2 घंटे के लिए मज़ीद पकने के लिए रख देंगे ताकि पकौड़े सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें कढ़ी हमारी बिल्कुल रेडी है, देखें गाढ़ी हो चुकी है, पकौड़े भी हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। भगा के अच्छा है 15 अदद साबुत गोल वाली मिर्चें, 12 से 13 जवे लहसुन के काट लीजिएगा, कुछ पत्ते कड़ी पत्ता और 1 टेबल स्पून जीरा, 1/2 कप ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें पहले साबुत मिर्चें डाल दीजिए। जब मिर्चों का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो इसमें लहसुन शामिल कर दीजिए, जीरा भी शामिल कर दीजिए। जब ये कलर चेंज हो जाए लहसुन का, इसमें कड़ी पत्ता शामिल कर दें। कड़ी पत्ते को बस 10 सेकंड तक ऑयल में फ्राई करें, फिर हम मीट तैयार। लीजिए मुनफरिद हरे मसाले वाली कड़ी तैयार है। इंजॉय कीजिए और अपने कमेंट से आगाह कीजिए।